मुंबई के मलाड में मौत की आग, अप्पापाड़ा में एक के बाद एक दो दर्जन से ज्यादा सिलेंडर हुए ब्लास्ट, एक बच्चे की मौत। मलाड के अप्पापाड़ा में अग्नि का तांडव, आग के उठे लंबे लंबे काले धुएं, 200 से ज्यादा परिवारों का घर जलकर खाक, 11 घायल। अप्पापाड़ा में करीब 2 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति रही, सिलेंडर और सामान लेकर घर से भागने के लिए मजबूर हुए हजारों लोग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। गुड़पाड़वा की सभा में राज ठाकरे फिर उठा सकते हैं मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा, सभा को भीम आर्मी ने बैन करने की मांग, पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुनवाई के बाद गिरेगी शिंदे, फडणवीस की सरकार, ठाकरे गुट का दावा, कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। मांग बढ़ी लेकिन रेलवे के पास नहीं है और एसी लोकल, लगातार बढ़ रही है यात्रियों की संख्या, सामान्य लोकल बंद करने पर विचार। मुंबई की एसी लोकल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, मुंबई एसी लोकल में 10% वैध तो 90% अवैध यात्री करते हैं सफर। मार्च में दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म रहा मुंबई, 39.4 डिग्री तापमान दर्ज, लू की चेतावनी जारी। 18 लाख सरकारी कर्मचारी कर से हड़ताल पर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, महापालिका के कर्मचारी शामिल होंगे, सब पर पड़ेगा असर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, करीबी सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने थामा शिंदे गुट का दामन। ऑस्कर अवार्ड में भारत का बजट अंका, आरआरआर फिल्म के साथ नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट वेस्पर्स को मिला ऑस्कर अवार्ड। वसई के करम बीच पर नाला सुपारा से पिकनिक मनाने गए 4 लोग, समुद्र में डूबे, 2 की हुई मौत। किसानों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान ने बढ़ाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें। बांद्रा में मां के लिए दवा लेने गई नाबालिग से 2 बार गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के ओशिवरा फर्नीचर मार्केट में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर हुई राख। मुंबई से सटे कल्याण में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 युवकों की पिटाई हुई, आरोपी महेश कोनकर की दबंगई सीसीटीवी में कैद। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार WTC के फिनाले में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया से होगी जंग। शीतल महात्रे की वायरल वीडियो मामले की SIT करेगी जांच, अब तक 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई मध्य रेलवे पर एक साथ जल्द ही खुलेंगे 6 नए रेलवे स्टेशन, स्टेशनों के काम अंतिम चरण पर। दिसंबर 2023 तक शुरू हो सकती है मेट्रो 3, BK6 से लेकर स्पीस के बीच चलेगी 85% काम पूरा। मुंबई पुणे एक्सप्रेस को जोड़ेगा 1000 करोड़ का सी ब्रिज, देश के सबसे लंबे ब्रिज जल्द होगी शुरू। बिन ब्याही मां ने बेटी को दूसरी महिला को दे दिया, फिर शादी करके बच्चा मांगा, कोर्ट ने भी कहा उसी का हक। मुंबई में आज सोना और चांदी के बढ़े दाम, सोना 57,220 रुपए तोला, वही चांदी 66,000 रुपए किलो। ईडी के खिलाफ एक्शन में उद्धव ठाकरे, राज्यभर में करेंगे जेल भरो आंदोलन, सुषमा अंधारे ने दी जानकारी। शिंदे ने उद्धव को दिया एक और झटका, ठाकरे गुट के थाने शहर प्रमुख सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में हुए शामिल, श्रीकांत शिंदे ने कहा अब थाने में एक ही शिवसेना।